दोस्तों हम लोग अभी रेणुका लेक के बिल्कुल साइड पे जो परिक्रमा का जो रास्ता है वहां पर बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। लेक के बारे में ऐसा माना जाता है कि महर्षि जमदाग्नि और उनकी वाइफ जो थी रेणुका जी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और तपस्या भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के चलते जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म उनके घर में हुआ। तो जो महर्षि जमदाग्नि थे उनके पास एक थी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय जो थी उसको मतलब जो है कुछ लोग छीनना चाहते थे क्योंकि वो सारी जो है कामनाएं पूरी करती थी, लेकिन महर्षि ने वो गाय देने से इनकार कर दिया। तो शायद इसी के चलते जो है उनको मार डाला गया। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी रेणुका जी, उन्होंने पहाड़ से लेक में कूद के जो है अपनी जान दे दी। जब भगवान परशुराम जी को इसका पता चला तो वो यहाँ पर आए लेक के पास और उन्होंने रेणुका जी से प्रार्थना की कि आप दोबारा से वापस आ जाओ। तो उस समय जो रेणुका जी ने उनसे कहा कि अभी जो है मैं इस झील का, इस लेक का रूप धारण कर चुकी हूँ, अब मैं वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हर साल जो है प्रमोदनी एकादशी या जिसको देव उठनी एकादशी बोल देते हैं, उस दिन मैं यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर आऊंगी और जो यहाँ आने वाले भक्त हैं उनको मैं आशीर्वाद दूंगी। तो तब से मतलब इसी मान्यता को लेकर यहाँ पे हर साल जो है एकादशी वाले दिन जो देव उठनी एकादशी है वहां पे यहाँ 5 दिन का फेयर लगता है, रेणुका फेयर। तो बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये तो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है इसकी जो माइथोलॉजी से रिलेटेड है। बाकी जहाँ तक रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सवाल है, तो ये एक छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 4 स्क्वायर किलोमीटर है। तो नवंबर 2005 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अभी क्या है कि लेक के चारों तरफ एक जो परिक्रमा का रास्ता बना हुआ है जहाँ पे हम अभी लोग मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इसके साइड पे ना एक जू बनाया गया है। उसमें कुछ तो केज जो हैं वो खाली हैं, कुछ में थोड़े बहुत जानवर हैं, तो ज्यादा मतलब कुछ मेंटेन्ड लगा नहीं। बाकी हम लोग जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, हमें केज में रखे हुए जानवर जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए उनकी फोटोग्राफी तो हम नहीं कर पा रहे और ना ही हम करेंगे। तो ज्यादा तो यहाँ हमें कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं मिला क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें बर्डिंग स्पॉट्स भी यहाँ नहीं पता और हमें लगता है कि शायद किसी ने यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सप्लोर किया भी नहीं है। तो फिर से ट्राई करेंगे कुछ और जानकारी लेकर, अगर यहाँ पे कोई मतलब पहले आके कोई एक्सप्लोर कर चुका हो तो उससे जानकारी लेंगे तो फिर आने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल तो ज्यादा कुछ नहीं है, अभी यहाँ से जो है वापसी निकलेंगे। तो बीच में मैं मंदिर के दर्शन भी आपको करवा दूंगा।
वहां भी चलते हैं। बाकी तो यहाँ के लिए इतना ही है, इसके आगे हम लोग और लोकेशन पे चलते हैं जो बर्डिंग लोकेशन है। ये मंदिर परिसर की एंट्रेंस है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। ये साइड पे जो है ये लेक का दूसरा एंड आ जाता है। जब परिक्रमा करके आओ तो इसके पास यहाँ बाहर की तरफ आ जाते हैं, और इसके अंदर काफी फिश वगैरह यहाँ पे हैं। काफी पीसफुल सा माहौल है इसके आसपास। ये लंबा पैसेज मंदिर की तरफ जाता है, इसके साथ ये छोटा सा लॉन मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ से सीधा बिल्कुल जो है मंदिर की एंट्री है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो इतना कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लोग नहीं आए हुए मंदिर में। ये मंदिर है भगवान परशुराम जी का, तो एक बार बाहर से सारा देख लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत जितना हो पाएगा मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। ये सामने की तरफ जो मंदिर बना हुआ है, इसमें भगवान विष्णु के सारे अवतार जो हैं उनकी प्रतिमाएं इसमें लगाई गई हैं। और ये सामने इस तीर्थ की जो है पावन कथा लिखी हुई है, तो कभी आप यहाँ आओ तो इस बोर्ड से आप पढ़कर सारी जानकारी इस मंदिर के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में आप ले सकते हो। ये शिला है, मतलब उस बड़ी चट्टान का एक पार्ट है जिसके ऊपर बैठकर भगवान परशुराम जी ने हजारों वर्ष तपस्या की थी, तो ये उस बड़ी शिला का एक भाग है। और इसके साथ ही यहाँ हवन कुंड बना हुआ है जहाँ हवन वगैरह होते हैं, और यहाँ से जो है भगवान परशुराम के मंदिर की एंट्री है। तो मैं अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगा, हालांकि मुझे किसी ने मना नहीं किया, लेकिन बस ऐसे ही खुद को अच्छा नहीं लगता। अगर आप अंदर माथा टेकने जा रहे हो तो आप ध्यान से माथा टेको, तो इसलिए मैं अंदर जाकर कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप यहाँ से एक बार देख लो, मैं अंदर माथा टेक कर आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, आगे चलते हैं हम। ये मंदिर की मतलब परिक्रमा है, और ये पीछे का इसका भाग, यहाँ कई सारे मतलब छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं। मंदिर की जो दीवार है उसके ऊपर लकड़ी का वर्क बहुत बढ़िया किया हुआ है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। मैं आपको फिर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, तो बढ़िया लग रहा है। ये ट्री है जो गुलर वृक्ष है, 250 साल पुराना, 250 साल पुराना ये वृक्ष है, काफी पुराना है। तो ये भी आप देख लीजिए, वैसे तो बेटर है कि आप यहाँ खुद आकर देखो। अब इसके बाद हम लोग जो है अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।